इजहार है आपको एतमाद करते रहे इमरान खान की जानिब से भी पीटीआई की जानिब से, लेकिन आपके हक में फैसला नहीं है, क्या कहेंगे? कहना चाहूंगी कि फसाइयत और बर्बरियत जो है वो इसी चीज़ से साबित हो रही है कि अभी चल रहा है कि ये लोग कितने खौफजदा हैं इमरान खान से, और ये जानते हैं कि इमरान खान बेकसूर है, ये जानते हैं कि उनकी अहलिया जो है वो बेकसूर है, एक बोगस एक इतने घटिया केस में जो है उनको यहाँ पर बेकसूर उसमें सजा दी जा रही है, बशर्ते बीवी को भी और इमरान खान साहब को भी, ये याद रखिए कि फसाइयत खत्म होने का वक्त जो है वो बहुत करीब है। आज अगर इतने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं तो वो इमरान खान और बशाबी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और वो जानते हैं कि वो बेकसूर हैं, और अदालतों को फैसले अवाम की मर्जी पर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अदालतें जो हैं वो इस तरह से बेकसूर होने के बावजूद अगर सजाएं देंगी और अगर जो है वो इंसाफ मुहैया नहीं करेंगी तो फिर यकीन कीजिए इन अदालतों को बंद हो जाना चाहिए, कि अगर आप किसी को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो आपको बंद कर देना चाहिए। इन जज साहब ने ये कहा था कि आज ये फैसला देंगे और पूरी कौम को इनसे उम्मीदें वापस, लेकिन आज जिस तरह का फैसला उन्होंने दिया